चोपड़ा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से काफी सारी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं बीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं। तो मैं आपको इस वीडियो में बीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा क्या रह सकती है इसकी, और अगर ये 50% प्राइवेट सीट गवर्नमेंट फीस पर हो जाती है तब क्या कट ऑफ रह सकती है, और ऐसे 10 आपको डेंटल कॉलेजेस बताऊंगा जो टॉप 10 हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे वो एमबीबीएस कोर्स हो, बीडीएस कोर्स हो, आयुष कोर्स हो, वेटनरी कोर्स हो, सभी के बारे में मैंने अलग अलग बुक लिख दी है। ऑल इंडिया स्टेट आयुष वेटनरी सभी की बुक है, इसमें सब कुछ मैंने समझा दिया है। फीस स्ट्रक्चर कट ऑफ कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ समझा दिया है, सर्विस बॉन्ड के बारे में बता दिया है, इसमें सारी जानकारी दे दी जो आप जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें च्वाइस फिलिंग के लिए टॉप से लोवेस्ट के क्रम में कॉलेज दिखाए हैं, और 22 में आप कैसे च्वाइस फिल कर सकते हैं उसके बारे में भी समझाया है इसमें। इसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम बीडीएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, क्या जा सकती है बीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आपको इस बात का मालूम है कि सबसे पहले स्टूडेंट एमबीबीएस को चूज करते हैं, तो एमबीबीएस की कट ऑफ है बीडीएस से हाई रहती है, फिर बीडीएस को चूज करते हैं, फिर बीएमएस को चूज करते हैं, और फिर वेटनरी को चूज करते हैं। इस प्रकार से कोर्सेज का सीक्वेंस है जो स्टूडेंट लाइक करते हैं इसमें। तो एमबीबीएस की कट ऑफ तो हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर हम बीडीएस की कट ऑफ ही डिस्कस करेंगे। तो बीडीएस की कट ऑफ अगर हम माने यहां 2020 में, तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 550 कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी की। ये उस कंडीशन में रह सकती है, नॉर्मल कंडीशन में अगर 50% सीट प्राइवेट की गवर्नमेंट फीस पर हो जाती है तो ये कट ऑफ 520 तक आ सकती है, 520 या 515 तक भी आ सकती है बीडीएस की कट ऑफ। इसके बाद में जो बीडीएस की कट ऑफ जाती है ओबीसी कैटेगरी में भी सेम जाती है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेम जाती है। ईडब्ल्यूएस में 1 मार्क्स के नियर बाय डिफरेंस रहता है, और ओबीसी में सिर्फ रैंक का ही डिफरेंस रहता है, बाकी इन तीनों कैटेगरियों की कट ऑफ सेम सी रहती है। तो हम मान के चलते हैं कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 550 जा सकती है, अगर 50% सीट हो जाती है गवर्नमेंट फीस पर तो ये 520 जा सकती है यहां पर। अब बात करें हम एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की 430 मार्क्स पर कट ऑफ जा सकती है, अगर 50% सीट प्राइवेट की गवर्नमेंट फीस पर हो जाती है तो ये कट ऑफ जा सकती है 395, यानी कि एससी एसटी में काफी सारा डिफरेंस आता है। तो एसटी की अगर बात करें तो ये जा सकती है 400 पर, और 50% सीट गवर्नमेंट फीस पर होने पर ये जा सकती है 365 पर ये कट ऑफ जा सकती है बीडीएस की। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी हम कट ऑफ है जो प्रेडिक्ट करेंगे वो रैंक आने के बाद ही प्रेडिक्ट करेंगे, ये आपके लिए एक आइडिया है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, अब बात करेंगे हम टॉप 10 डेंटल कॉलेजेज। टॉप 10 डेंटल कॉलेजेज में एक ऐसी डेंटल कॉलेजेज है वो है मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज, जिसकी कट ऑफ मेडिकल से भी ज्यादा जाती है, यानी कि एमबीबीएस से भी ज्यादा जाती है। एमबीबीएस से ज्यादा जाने का रीजन ये है कि इसको सेकंड राउंड तक ही स्टूडेंट ले लेते हैं, और फिर एमबीबीएस की जो कट ऑफ है पिछले साल तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में काफी डाउन चली गई थी, 595 पर चली गई थी, लेकिन इसकी 596 पर ही रह गई थी मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज की, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद मोपअप राउंड तक ही स्टूडेंट ने इस कॉलेज को ले लिया था, मोपअप में भी सीटें बहुत ही कम बची थी। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 10 डेंटल कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, टॉप 10 के कौन से डेंटल कॉलेजेस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे टॉप में जो डेंटल कॉलेज है वो है मौलाना आजाद, मौलाना आजाद डेंटल
मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली सबसे टॉप है, डिमांड फर्स्ट नंबर पर इसी डेंटल कॉलेज की है। और इसमें इसके बाद में हम देखते हैं तो दूसरा नंबर आता है RUHS जयपुर, RUHS डेंटल जयपुर सेकंड नंबर पर आप इसको चूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें यहां पर तो थर्ड नंबर पर पटना डेंटल कॉलेज, पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। इसके बाद में अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पर हम ले सकते हैं KGMC फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज लखनऊ, यानी कि KGMC की जो फैकल्टी है वो हम इसमें डेंटल की जो है वो इसको चूज कर सकते हैं फोर नंबर पर। फाइव नंबर पर हम कर सकते हैं यहां पर BHU, फाइव नंबर पर BHU ले सकते हैं। अब बात करें सिक्स नंबर पर तो सिक्स नंबर पर AMU की ZADC डेंटल कॉलेज है, सिक्स नंबर पर AMU की ZADC अलीगढ़, तो ये हम यूज कर सकते हैं सिक्स नंबर पर। सेवन नंबर पर यूज कर सकते हैं हम, सेवन नंबर पर एडमिशन ले सकते हैं नायर डेंटल कॉलेज, नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई, ये सेवन नंबर पर हम इस कॉलेज की चॉइस फिल कर सकते हैं। एट नंबर पर हम अगर बात करें तो एट नंबर पर कर सकते हैं SCB कटक, SCB कटक यानी उड़ीसा, ये सॉरी एट नंबर पर इसको हम चॉइस फिल कर सकते हैं। नाइन नंबर पर कर सकते हैं हम पंडित BD शर्मा रोहतक, पंडित BD शर्मा रोहतक ये कर सकते हैं हम नाइन नंबर पर। टेन नंबर पर कर सकते हैं MGDC, MGDC पुडुचेरी, टेन नंबर पर कर सकते हैं MGDC पुडुचेरी। तो इस प्रकार से इलेवन नंबर पर हम कर सकते हैं GDC बेंगलोर, GDC बेंगलोर। तो इस प्रकार से ये टॉप कॉलेजेज हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल जो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करती हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेज वो 44 डेंटल कॉलेजेज हैं, और जो इंडिया में ऑल इंडिया कोटा के अंडर जो उनकी सीटें आती हैं 516 सीट्स BDS की ऑल इंडिया के अंडर आती हैं, ये कॉलेजेज पार्टिसिपेट करती हैं 44 कॉलेजेज डेंटल में। तो अगर किसी स्टूडेंट का आप में से MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा है और वो इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि कई रीजन्स होते हैं, जैसे काफी स्टूडेंट अपने उनकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी होती है कि वो इतना एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं, आगे स्टडी आगे नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये BDS का ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स जो इस साल एडमिशन ही लेना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उनके थोड़े मार्क्स कम हैं, तो फिर एडमिशन ले सकते हैं BDS में। तो ये जानकारी थी BDS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और टॉप 10 डेंटल कॉलेजेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी ही जानकारी आप तक फिर लेकर आएंगे, तब तक जय हिंद।